गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम टू द लॉकडाउन ई पाठशाला। आई एम डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज। पिछली कक्षा में मैंने सियाचिन पे भारत के नियंत्रण के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों को बताया था कि वहां का जो जलवायु कंडीशन है वो बहुत ही कठिन है, लेकिन सैनिक अपनी जान की बाजी लगा करके हमारी मातृभूमि को रक्षा करने के लिए वहां पर अड़े हुए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले 15-16 जून की रात को भारत और चीन के सैनिकों के बीच में गलवान घाटी में झड़प भी हुई और हमारे 20 जवान मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान भी दिया। लेकिन किसी भी परिस्थिति में चीन और पाकिस्तान का कब्जा उन जगहों पर नहीं होने दिया जाएगा, ऐसे हमारे मातृभूमि के वीर सपूत वहां पर डिगे हुए हैं, डटे हुए हैं। आई एम गोइंग टू गिव सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सोनम एक हेलीपैड है जो कि समुद्र तल से 21,000 के फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा और विशाल हेलीपैड है। ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन द सोल्जर्स कॉल इट्स जनरल ग्लेशियर। जिन सैनिकों की पोस्टिंग एक बार सियाचिन ग्लेशियर में होती है उन्हें पुनः 15 वर्ष के लिए वहां पर नहीं भेजा जाता। वहां की ठंड हवा 150 नॉट्स और 300 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से बहती है। सियाचिन और उसके अन्य जो ब्रांचेज हैं वहां से चलने वाली जो हवाएं होती है वो लगभग 300 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से बहती है। टेम्परेचर -40 डिग्री टू -45 डिग्री सेल्सियस। वहां का जो तापमान है वो -40 डिग्री से लेकर -45 डिग्री तक है। आप समझ लीजिए कि जब 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी और टेम्परेचर -40 डिग्री 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आप जानते हैं कि बर्फ जम जाता है, उससे -40 टू -45 डिग्री अगर टेम्परेचर होगा तो आप समझ सकते हैं कि वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन की क्या स्थिति होगी। एक और टर्म है WCF, इसका मतलब होता है विंड चिल फैक्टर। विंड चिल फैक्टर वहां पे लाइफ सर्वाइवल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वहां पे कपड़े जो डिजाइन किए जाते हैं वहां पे रह सैनिकों को सुरक्षित रखने के लिए होते हैं। सामान्यतः 800 WCF तक के कपड़े तैयार किए जाते हैं, लेकिन जाड़े के दिनों में इन विंटर्स वहां का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है ना, वो 1400 WCF तक चला जाता है। इसलिए उन कठिन परिस्थिति में भी हमारे वीर सपूत सियाचिन की रक्षा करने के लिए, सियाचिन ग्लेशियर को बचाने के लिए, दुश्मनों के आक्रमण से बचाने के लिए वहां पे जुटे हुए हैं। सियाचिन ग्लेशियर का क्लाइमेट कंडीशन इतना खराब होता है कि लगभग सभी चीज जमी हुई अवस्था में पाए जाते हैं एक्सेप्ट केरोसिन एंड रम। केरोसिन तेल जिसका प्रयोग आप लोग घर में करते हैं, और रम एक तरह का लिक्विड होता है जिसका प्रयोग उन ठंडे जगहों में सोल्जर्स पेय पदार्थ के रूप में करते हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर में दो ही चीज है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, बाकी एग्स, चॉकलेट्स, टूथपेस्ट, जितने भी इस तरह के आइटम्स हैं, एग्स जो है वो पत्थर की तरह हो जाते हैं, चॉकलेट्स स्टील के प्लेट की तरह हो जाते हैं। अगर आप उसे उस चॉकलेट को ऐसे ही दांत से काटने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि आपके दांतों को नुकसान हो जाए। इतनी ठंड होती है, आप समझ सकते हैं कि -40 टू -45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में
जो वहां पे जो वस्तुएं होंगी उनकी क्या स्थिति होगी। सोल्जर्स बाथ्स सेफ्स एंड पैक वार्म क्लॉथ्स स्लीपिंग बैग एडीसी, जिन सैनिकों की पोस्टिंग वहां पर होती है ना, एक बार जो सैनिक जाते हैं उनकी पोस्टिंग वहां पर 3 महीनों के लिए की जाती है, तो उस 3 महीने में उन्हें पता होता है कि मुझे क्या करना है। वो स्नान करते हैं, अपने शेविंग करते हैं, है ना, बाल दाढ़ी बना लेते हैं, अपने साथ गर्म कपड़े रखते हैं, स्लीपिंग बैग रखते हैं, फोटोग्राफ्स रख लेते हैं अपने करीबी लोगों का, टॉयलेट्रीज रख लेते हैं। टॉयलेट्रीज का मतलब होता है कि साबुन, शैम्पू, है ना, टूथपेस्ट, ब्रश, जो भी उनके जरूरी की चीजें होती है वो अपने साथ रख लेते हैं, इस आशय के साथ कि पता नहीं उस 3 महीने में फिर हम लौट करके आएंगे कि नहीं, लेकिन फिर भी उत्साह के साथ वो वहां पर जाते हैं। ऑन 3 फरवरी 2016 लांस नायक हनुमंत थप्पा कोपड फाउंड अलाइव आफ्टर 6 डेज, है ना, इन पोस्ट डिजास्टर्स। मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूं कि 3 फरवरी 2016 को, 3 फरवरी 2016 को उसी सोनम हेलीपैड पे, है ना, सोनम की चर्चा हुई थी, सोनम हेलीपैड पर मद्रास रेजिमेंट के 19वीं बटालियन का लांस नायक हनुमान थप्पा अपने 10 सैनिकों के साथ भूस्खलन हुआ और उसके अंदर वो ट्रैप्ड हो गया, दब गया, बाकी 9 सैनिक तो मर गए, लेकिन हनुमंत थप्पा को 6ठे दिन जब वहां पर राहत कार्य चलाया गया, जब सैनिकों के द्वारा पोस्ट डिजास्टर प्रोग्राम की शुरुआत की गई तो 6ठा दिन भी वो जीवित था। उसे तत्काल हॉस्पिटल लाया गया लेकिन उसके सारे अंग खराब हो चुके थे और अंततः हनुमंत थप्पा की मौत हो गई। बच्चों, उस सियाचिन ग्लेशियर में मोर देन 870 सोल्जर्स, उस सियाचिन ग्लेशियर में 870 से अधिक जवान युद्ध में नहीं मारे गए, वहां के क्लाइमेटिक कंडीशन से मारे गए। वहां जो जवान जाते हैं उनके लिए जीवन जीना बहुत ही कठिन होता है। मैं बार बार यह बात कह रहा हूं कि जिस कठिन परिस्थिति में हमारे सैनिक इस देश की सेवा करते हैं उन्हीं की बदौलत आज हम अपने घरों में आराम से चैन से सोते हैं। अगर वो सैनिक वहां ना हो तो यह देश नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर इंडियन सोल्जर्स, हमारे सैनिक हैं तो हमारी मातृभूमि सुरक्षित है। सो लेट्स सैल्यूट द सोल्जर्स एंड जय हिंद।